Assalamualaikum everyone. अगर आपको ऐसा मेकअप चाहिए अपने ऊपर तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये लुक हुडेड आईज के लिए परफेक्ट है। हाय एवरीवन, पहले मैं अपनी नज़र की ग्लासेस उतार लूँ और फिर हम इस मेकअप को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अब मेरी लेंसेज हैं ब्लू कलर में, मैं उनको लगा लूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैं कैसे लेंसेज अप्लाई करती हूँ, इट्स जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड। आपने क्या करना है, आपने अपने वाइट्स पे लेंस रखने हैं और फिर ये अपने आप ही आपके प्यूपल पे आ जाएगा। सो ईजी राइट। नेक्स्ट मैं थोड़े से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी क्योंकि रोज़े की हालत में आजकल सारों के लिप्स चैप्ड हो गए हैं, तो दिस विल गिव मी अ बिट ऑफ मॉइस्चराइजेशन एट द एंड ऑफ माय एप्लीकेशन ऑफ लिपस्टिक। फिर हम अपना फेस मॉइस्चराइज कर लेंगे। मैं वैसे प्राइमर और एक्सेट्रा यूज़ नहीं करती, मैं मॉइस्चराइज़र में बिलीव करती हूँ और मेरा मेकअप काफ़ी देर तक स्टे करता है। आपका फाउंडेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, बाकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती प्राइमर की। यहाँ मैंने अपना मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी स्किन में ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे जैसे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, मेक श्योर यू ब्लेंड इट अपवर्ड्स। एंड आई इन्वेस्टेड इन अ गुड फाउंडेशन जो मेबेलिन्स मैट प्रो फिनिश है। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। मेरी इतनी ऑयली स्किन है कि आप लोग मेरी स्किन से एक ऑयल टैंकर की फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं एंड दिस फाउंडेशन मेक्स इट अ लॉट बेटर। इससे मेरा ऑयल कंट्रोल इतनी देर तक रहता है और मेरा मेकअप स्टे बहुत गॉर्जियस रहता है, और अगर ऑयल आ भी जाता है इट इज़ ईजी टू मैनेज। यहाँ मैं एक कबूकी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको। कबूकी ब्रश सबसे बेस्ट होता है, फाउंडेशन जो लिक्विड होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये एयर ब्रश फिनिश देता है आपको। मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। आई नो आई लुक स्केरी बट ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर मैं अपना कंसीलर लगाऊँगी अच्छे से अंडर माई आईज, अराउंड माई नेक और जहाँ जहाँ मुझे लगता है मुझे कंसीलर की ज़रूरत है। Then again, I will blend with the kabuki brush. Okay, तो यहाँ हमारी फाउंडेशन डन होती है। अब हम जाएंगे अपने मेन चीज पे। इस चीज से तो पूरा लुक क्रिएट होगा। आपने टेप लेनी है और उसको दरमियान से कट करना है। असल में हमने अपना बेस पहले कर लिया, तो आप बेस बाद में भी कर सकते हैं। आप इसको अगर आप अपनी बेस बचाना चाहते हैं तो आप इसको बैक ऑफ द पाम इसको लेस स्टिकी बना सकते हैं और इसको अपनी आईब्रो और कॉर्नर ऑफ द आई से थोड़ा सा नीचे लगाना है। हमने अपनी आईज को एक्सेंचुएट करना है, मतलब लंबा करना है और उसको अपलिफ्ट करना है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा नीचे लगाने की। अब मैं थोड़े से अपनी आईब्रोज ब्रश कर लूँगी क्योंकि फाउंडेशन उन पे लग जाता है, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाती है कि आपने आईब्रोज के साथ क्या करना है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक ब्लैक पेंसिल लूँगी। ये लुक बहुत इजी है। आपने क्या करना है, ब्लैक पेंसिल थोड़ा सा डैप डैप करकर लगानी है। आपने फिक्र नहीं करनी कि आप इसको कहाँ लगा रहे हैं, या यू कैन बी मेसी विद इट। फिर आपने अपनी फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है लाइटली। डोंट वरी अबाउट इट बीइंग स्मजी, यू नीड इट टू बी स्मजी। इसके बाद मैं अपनी अपर लैश लाइन को टाइट लाइन कर लूंगी। I know it looks a bit scary, but ये पूरे लुक को क्लोज करती है। मैं
मुझे तो वैसे आदत है लिक्विड लाइनर से करने की, लेकिन अगर आपके पास पेंसिल लाइनर है आप उससे भी कर सकती हैं। यहाँ मैंने एक दफ़ा पेंसिल आईलाइनर के साथ गो थ्रू कर लिया है टू मेक इट डार्कर। फिर मैं एक मेहरून पेंसिल लूँगी, ये कोई भी महोगनी कलर की हो सकती है, मेहरून कलर की हो सकती है। और आपने क्या करना है, जहाँ आपने उसको स्मज किया है आपने लाइटली ऊपर उसके टैप करना है पेंसिल को। मैंने पहले भी कहा था यू कैन बी मेसी विद इट, ये लुक थोड़ा मुश्किल लगता है जब आपने इसको कैरी ऑन किया हो, लेकिन ये बहुत एफर्टलेस है। मेरे पास तो मिकियाजी की पैलेट है, आप अपने किसी भी पैलेट में मैरून कलर और ब्राउन कलर को थोड़ा मिक्स कर एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और वो आपने लाइटली बहुत लाइट हैंडेड आपने मेहरून वाली पेंसिल की जगह पे जहाँ आपने स्मज किया था उसको उधर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके अप्लाई करना है, बहुत लाइटली। ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी बस आपने उसको ऊपर टैप करना है। अब बारी आई है ब्लेंडिंग की, तो आपने एक ऐसा ब्रश लेना है जिस पे कुछ भी ना लगाओ और आपने उसको लाइटली उसकी एजेस को ब्लेंड कर लेना है। जितना आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही ये लुक अच्छा लगेगा। अब जब हमने अपना ट्रांसलेशन शेड दे दिया है, अब हम आगे जाएंगे ब्लैक कलर पे। आप कोई भी ब्लैक कलर लेकर उसको लाइटली टैप कीजिएगा उस जगह पे जहाँ आपने ब्लैक लाइनर लगाया था। यहाँ आप देख सकते हैं मैं स्लोली स्लोली टैप कर रही हूँ। इससे ऐसा होता है कि आप जब लाइटली टैप करते हैं तो आपके फॉल आउट्स नहीं होते। आपने नोट किया होगा अभी मैंने अपने बेस को पाउडर से सेट नहीं किया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ मैं ब्रशेस स्विच कर रही हूँ और उसको लाइटली ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ साथ। ये ब्लैक कलर अच्छे से मर्ज होना चाहिए उस मेहरून कलर के अंदर। यहाँ मैं अपनी अपर लैश लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी दोबारा, ताकि मेरी स्मोकी आई थोड़ी सी ज़्यादा डार्कन हो जाए। मैं बीच में बाबर ब्रश में भी स्विच हो रही हूँ और आईलाइनर में भी स्विच कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से डार्क लुक आए इसकी। आफ्टर डैट आप एक शिमरी शेड लेंगे, इट कैन बी अ कॉपर शेड, और आपने इसको अपनी लिड पे लगाना है मिडिल लिड में। और जैसे ही आप इसको मिडिल में पैक करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता इनर कॉर्नर में भी मूव होंगे। और ये कुछ इस तरह लगेगा। यहाँ मैं फिर से मैरून कलर लूँगी और इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर दूँगी। ये डिपेंड करता है आपकी आई शेप पे और आपकी आई स्पेस पे। आपकी जितनी आई स्पेस है आप उसको उतना ही ऊपर लेकर जाइएगा। सबसे मज़े वाला पार्ट ये टेप उतारना, और जैसे ही आप इसको उतारेंगे क्रिस्पी लाइन सी बन जाएगी, और हमें यही चाहिए। फिर मैं ज़रा कबूकी ब्रश से दोबारा अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। ऑलरेडी फाउंडेशन लगा हुआ था उसी से ही। एंड देन द मेन पार्ट द आईलाइनर, इसको हम कैट आईलाइनर कहते हैं। ये लगती बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बताऊंगी। पहले तो आप अपने इनर कॉर्नर के थोड़ा सा उसको फिल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लाइन करना है। आपने देखना है कि आपका जो टेप से बनी हुई लाइन है कहाँ को फॉल कर रही है, और आपने अपने आईलाइनर पेन को उसी के साथ रख कर आगे लाना है, और फिर उसी तरीके जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ फिर आपने उसी तरीके से वहाँ पेस्ट कर देना है। इट्स जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ आपको मैं फिर से दोबारा बताऊँगी आपने क्या करना है, जो आपकी कट लाइन है
उसके साथ आपने पेंसिल बस ऊपर से ऐसे रखनी है और आपने हाथ ऐसा से मूव कर आगे अपने इनर कॉर्नर पे स्टेम कर देना है। याद रखिएगा, आपको इसके लिए एक अच्छी आईलाइनर पेंसिल चाहिए होगी। वो आईलाइनर पेंसिल काम नहीं करेगी जो बार बार अटकती हो। तो आपने क्या करना है, ऐसी आईलाइनर पेंसिल लेनी है जिसमें अच्छी इंक हो। फिर यहाँ मैं लुक को क्लोज ऑफ करने के लिए थोड़ा सा अपने आई शेडो को थोड़ा सा लोअर लिड पे ले जाऊँगी और देन मैं अपने फेस को पाउडर कर दूँगी, क्योंकि मैंने किया नहीं था फर्स्ट। मैं पाउडरिंग को एंड पे इसलिए रखती हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है और विद द टाइम फाउंडेशन जब लगा होता है, अगर मैं पहले ही पाउडर लगा दूँ तो वो केकी नहीं रहता। यहाँ मैं ब्रॉन्जर ले रही हूँ और यहाँ आपको मैं बताती हूँ कैसे ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं। मुझे ये ब्रश बहुत अच्छा लगता है कि ये आपके चीक बोन के राइट अंडर आराम से फिट हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। एक लाइन बनाएं और फिर सुट करके ऊपर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें और जितना ब्रश पे लगा हो उसको एक दफ़ा फोरहेड पे भी हेयर लाइन वाली जगह पे ब्लेंड कर दें। इससे ये होता है कि वो जो नेस्टी सी लाइन नहीं लगी होती ब्लैक एंड वाइट हेयर लाइन, क्योंकि हमारी हेयर लाइन थोड़ी सी अलग होती है हमारे स्किन कलर से, थोड़ी लाइट होती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए करते होते हैं ये हैक। फिर एक दफ़ा मैं इसको पाउडर से भी मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी और अब मैं नोज़ कॉन्ट्रर पे जाऊँगी। इसी ब्रश से बस मैं इसको चिजल आउट कर लूँगी और थोड़ा सा कॉर्नर पे थोड़ा डाउन एंड देन ऊपर इसको बटन नोज बना लूँगी एंड देन जो इस ब्रश से मैंने पाउडर लगाया था उसी से थोड़ा ब्लेंड भी कर लूँगी ताकि हार्श लाइन्स ना रहे। देन हियर इज़ द फन पार्ट, डबल चिन लाइन कितनी लोगों की होती है एंड मी बींग अ बेबी फेस, मेरी तो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है डबल चिन। तो आपने ये ऐसा नहीं करना कि आपने पूरी डबल चिन पे लगा देनी, आपने सिर्फ कॉर्नर्स पे जहाँ हमारी जो बोन नज़र आती है आपने वहाँ थोड़ा सा उसको लगाना है और ऐसे आपकी जो स्कल्प्ट हो जाएगी। एंड लास्टली मैं दोबारा से एक दफ़ा पाउडर कर लूँगी टू वर्ज माई लुक। अब मैं अपना ब्लश लगाऊंगी, आप कोई भी वार्म टोन ले सकते हैं और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा ब्राइट रखूंगी क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी डस्की कलर में है तो इस तरह के ब्लश ज़्यादा सूट करते हैं मुझ पर और ज़्यादा शो करते हैं। तो मैं अपनी नोज़ चिन एंड फोरहेड पर लगा लूँगी और फिर हम हाइलाइटर की तरफ से चलते हैं। यहाँ ये सारे हाइलाइटर में मिक्स करके अपने चीक बोन्स पर लगाती हूँ और नोज़ ब्रश पर लगाती हूँ एंड इवन ऑन द टिप ऑफ माई नोज़। सबसे मज़े का पार्ट और जो लुक को क्लोज कर देती है इज द हाइलाइटर एंड आई लव दिस स्टेप। हाइलाइटर सिर्फ इन पॉइंट्स पर लगाते हैं, पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। और फिर मैं अपनी आईब्रोज को यहाँ फिल कर लूँगी, मैं लाइटली सा फिल करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईब्रोज बहुत बुशी हैं। फिर ब्राउ बोन पे थोड़ा हाइलाइटर लगा लूँगी और इनर कॉर्नर पे भी। इनर कॉर्नर आपने पूरा कवर नहीं करना, आपका फिर आईलाइनर ख़राब हो जाएगा। एंड देन आई विल लाइन माई आईज विद अ वाइट पेंसिल। थोड़े से फिनिशिंग टचेस देकर हम फिर मस्कारा की तरफ चलेंगे, द बेस्ट पार्ट। आईलैश कलर से अच्छे से अपनी आईलैश को कर्ल कर लें और फिर मस्कारा लगा लें। अगर आपकी आईलैशेस छोटी हैं तो आप फॉल्स लैशेस की भी तरफ जा सकती हैं। यहाँ अच्छे से रूट्स पे रखकर विगल करते करते आपने मस्कारा को अप्लाई करना है। मेक श्योर मस्कारा को लगाते हुए एक्सेस को रिमूव करें, इससे आपका एप्लीकेशन इक्वल और केकी नहीं होगा। लाइटली अपनी लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगा लें। अब हम अपने लिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ एक मैंने ब्राउन पेंसिल से लाइटली अपने लिप्स को लाइन कर लिया है और उसको ब्लेंड कर लिया था थोड़ी वैसलीन के साथ। देन मैंने अपना फेवरेट शेड पिंक कलर में रिवाज की मैंने अच्छे से लगा ली। देन थोड़ा ग्रेडियंट देने के लिए मैंने अपना इनर लिप रेड कलर से लाइन कर ली और इससे हमारा लुक कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये मेकअप? आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बहुत ड्यूई एंड ग्लैमरस लुक है फॉर ईद एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।